गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड मोस्ट वेलकम अगेन ऑनलाइन क्लासेस। सो चैप्टर नंबर थर्ड वाज गोइंग ऑन एंड स्टिल वील हैव द सेम चैप्टर। चैप्टर नंबर थर्ड इज रंगाज मैरिज बाय मस्ती वेंकटेश अय्यंगर, द लास्ट लेक्चर यू कैन से। ओके, सो लेट्स रिव्यू लेक्चर नंबर फोर और द सेम चैप्टर रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। सो वी वर हैविंग, हम ले रहे थे पेज नंबर 21, वी वर ऑन पेज नंबर 21। सो लेट्स फिनिश इट फर्स्ट। रंगाज मैरिज, रंगा की शादी। The discussion actually was going on between Shastri, between Ranga and Shyama, the narrator. Okay, let's see the line. I found no change in. I went to our Shastri the next morning and told him. Yeah, this is true. Karna hai hum sabhi ko. His face shriveled like a roasted brinjal. After a while, Ranga laughed, saying, "I must go. I have work at home." Yahan tak humne padh liya tha. I went to our Shastri the next morning and told him. Main hamare Shastri ke paas gaya. ज्योतिषी शास्त्री जी यहाँ पर कौन है? ज्योतिषी होंगे। आई वेंट टू आर शास्त्री, मैं हमारे शास्त्री जी के पास गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, इन टोल्ड हिम और बताया उनको, मतलब रंगा की जो शादी करने की इच्छा नहीं थी उसके बारे में बताया। आई वेंट टू आर शास्त्री, मैं हमारे शास्त्री के पास गया। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, एंड टोल्ड हिम और बताया, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, की हर चीज़ जो है तैयार रखो नक्षत्रों को पढ़ने के लिए, कि हर चीज़ आप तैयार रख। अगली सुबह मैं शास्त्री के पास गया और कहा उनसे मैंने, कीप एवरीथिंग रेडी टू रीड द स्टार्स, की स्टार्स को पढ़ने के लिए, नक्षत्रों को पढ़ने के लिए हर चीज़ आप तैयार रखो। आई कम लेटर, मैं आपके पास बाद में आऊँगा। आई ट्यूटर्ड हिम इन ऑल दैट आई वॉन्टेड हिम टू से, और मैंने उन्हें वो हर चीज़ सिखा दिया था जो मैं आई वॉन्टेड हिम टू से, जो मैं उनसे कहलवाना चाहता था, जो मैं उनसे कहलवाना चाहता था, मैंने उन्हें वो सब कुछ ट्यूटर कर दिया था, सिखा दिया था क्या क्या बातें बोलनी है जब रंगा को लेकर आऊँगा, रंग आएगा तब क्या बोलना है। तो एवरीथिंग आई ट्यूटर टू शास्त्री जी। ओके, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा, मैंने रंगा में कोई चेंज नहीं पाया। आई फाउंड नो चेंज, आई स्टैंड फॉर श्यामा, श्यामा हुई श्यामा द नरेटर। ओके, आई फाउंड नो चेंज इन रंगा वेर आई मैच हिम देयर आफ्टरनून, और जब मैं उस दोपहर रंगा से मिला तो मैंने उसमें कोई परिवर्तन नहीं पाया। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? यू सीम टू बी लॉस्ट इन थॉट, ऐसा प्रतीत होता है कि तुम विचारों में खो गए हो। आई सेड, मैंने कहा, नथिंग्स रॉन्ग, कुछ गलत नहीं है, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बिलीव में मेरा विश्वास करो, ऐसा कहा रंगा ने। हेडेक है क्या तुम्हें सरदर्द है? कम लेट्स गो एंड सी अ डॉक्टर, की चलो डॉक्टर से मिलते हैं, लेट्स गो, चलो चलते हैं एंड सी अ डॉक्टर, एक डॉक्टर से मिलते हैं, ऐसा कहा श्यामा ने। नरेटर ने किससे बोला? रंगा से कहा। आई हैव नो हेडेक, आई एम यूजुअल सेल्फ, मुझे कोई हेडेक नहीं है, मुझे कोई सरदर्द नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, यूजुअल सेल्फ में हूँ। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन। आई वेंट थ्रू द सेम थिंग, मैं भी इन्हीं हालात से गुजरा था व्हेन द प्रोसेस ऑफ चूजिंग अ गर्ल फॉर मी वाज गोइंग ऑन, जब मेरे लिए लड़की के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। श्यामा ने कहा कि मेरी भी ऐसी हालत थी, मैं भी ऐसे प्रोसेस से गुजरा था जब लड़की के चयन की प्रक्रिया चल रही थी। बट आई डोंट थिंक दैट कुड बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, लेकिन मैं नहीं सोच सकता कि ये तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का, वर्तमान हालत का कोई कारण हो सकता है। होना क्या चाहिए यहाँ पे? लिखा होना चाहिए बट आई डोंट थिंक दैट अ सच अ रीजन, दैट कैन बी अ रीजन, ऐसा कुड की जगह कैन होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुड मेंशन कर रखा है। बट आई डोंट थिंक दैट कैन बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि मैं नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता, मैं ऐसा नहीं सोचता, दैट कैन बी अ रीजन फॉर योर प्रेजेंट कंडीशन, कि ये तुम्हारी प्रेजेंट कंडीशन का कारण हो सकता है। मतलब लड़की के चयन की प्रक्रिया चल रही है और तुम्हारी हालत खराब है, ये इसका रीजन हो सकता है, ऐसा मुझे नहीं लगता, मैं नहीं सोचता। कहा नरेटर श्यामा ने, किससे कहा? रंगा से कहा। किससे बोला? रंगा से कहा। देन रंगा स्टेड एट मी, रंगा ने मेरी ओर घूर के देखा, उसके बाद रंगा ने मेरी ओर घूर के देखा था। कम लेट्स गो एंड सी शास्त्री, की चलो चलते हैं और शास्त्री जी से मिलते हैं। आई सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया था कि चलो शास्त्री के पास चलते हैं। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट। वी विल फाइंड आउट वेदर गुरु एंड सनी आर फेवरेबल फॉर यू और नॉट, कि तुम, हम ये इस बात का पता लगाएंगे कि हम इस बात का पता लगाएंगे कि वेदर गुरु एंड शनि आर फेवरेबल फॉर यू आर नॉट, कि तुम्हारे लिए गुरु और शनि फेवरेबल है कि नहीं है, मतलब तुम्हारे पक्ष में गुरु शनि तुम्हारे पक्ष में है कि नहीं है, गुरु शनि
ये सब ग्रहों की बातें हो रही है, ये सब नक्षत्रों की बातें हो रही है, ये सब स्टार्स की बातें हो रही है, ये सब लक की बातें हो रही है कि चलो देखते हैं कि गुरु और शनि तुम्हारे फेवर में है कि नहीं है, तुम्हारा काल चक्र काल जोग सही चल रहा है या नहीं चल रहा। रंगा अकम्पेन मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, रंगा ने बिना कोई विरोध किए मेरे साथ चल दिया, मेरे साथ चला, अकम्पेन मेरे साथ चला था। एज सून एज शास्त्री सॉ मी, और जैसे शास्त्री ने मुझे देखा, और जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा, ज्योतिषी हमारे हैं, रंगा अकम्पेन मी विदाउट एनी प्रोटेस्ट, बिना प्रोटेस्ट के रंगा मेरे साथ चला था, बिना प्रोटेस्ट के रंगा मेरे साथ चला था। एज सून एज शास्त्री सॉ मी, और जैसे ही शास्त्री ने मुझे देखा था, ही एक्सक्लेम्ड, उन्होंने मुझे कहा, क्या कहा, व्हाट अ सरप्राइज श्यामा, हैवन्ट सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, क्या सरप्राइज है श्यामा, तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है, क्या आश्चर्य की बात है श्यामा कि तुम्हें काफ़ी लंबे समय से नहीं देखा है, हैवन सीन यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्यामा इज नन अदर देन योर सर्वेंट, द नरेटर ऑफ दिस टेल, श्यामा ने वो क्या बोला कि इस कहानी का जो कथक है वो आपके सेवक के अलावा कुछ और नहीं है, कि श्यामा जो इस कहानी का कथक है वो आपके सेवक के अलावा आपके सर्वेंट के अलावा कुछ और नहीं है। किससे कहा, शास्त्री से कहा। आई गॉट एंग्री एंड शाउटेड, मैं काफ़ी गुस्सा हुआ और चिल्लाया, व्हाट, क्या ओनली दिस मॉर्निंग, इसी सुबह तो, शास्त्री कंप्लीटेड माई सेंटेंस, शास्त्री ने मेरे वाक्य को पूरा किया और कहा, यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुमने अपना पूरा काम कर लिया और अब मेरे पास मिलने के लिए आए हो, कि तुमने अब पूरा काम कर लिया अब मेरे पास मिलने के लिए आए, मतलब वो बात छुपाई जा रही है कि मॉर्निंग में मिला था वगैरह वगैरह, वरना रंगा को मालूम चल जाएगा। सो यू फिनिश ऑल योर वर्क एंड आर नाउ फ्री टू विजिट मी, तुमने अपना सारा काम कर लिया मेरे पास तुम आए हो, ओके, यू फिनिश ऑल योर वर्क, तुमने अपना काम पूरा कर लिया एंड नाउ फ्री टू विजिट मी, अब तुम मेरे पास मिलने के लिए आए हो, फ्री हो। हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रियून, हैड ही नॉट डन सो आई वुड हैव रियून अ प्लान बाय बर्स्टिंग लाइक ग्रेन्स दैट आर कैप्ट इन द सन टू ड्राई। इसमें लिखा हुआ है हैड ही नॉट डन सो, लिखा हुआ गलत है, होना चाहिए इफ यू हैड, If he had not said so, ऐसा कुछ लिखा होना चाहिए था, क्योंकि ट्रांसलेशन ऐसा बोल रही है स्टूडेंट्स, ओके, इफ ही हैड नॉट डन सो, इफ ही हैडन्ट सेड सो, इफ ही हैडन्ट डन सो, ऐसा कुछ होना चाहिए था, बिकॉज दिस एग्जाम्पल इज ऑफ योर कंडीशनल सेंटेंसेज एंड कंडीशन इज हेयर वी हैव इज वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, ओके स्टूडेंट्स, इट्स अबाउट योर अनफुलफिल कंडीशन, हैड प्लस थर्ड फॉर्म and would have plus third form, तो if he had कुछ लिखा होना चाहिए, लेकिन शॉर्ट में लिखा हुआ है यहाँ पर, had he not done so, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, या अगर उसने ऐसा नहीं कहा होता, कौन सा कि तुम अपना काम फ्री करके आए हो, अब तुम मुझसे मिल रहे, मिलने के लिए आए, ऐसा कुछ नहीं कहा होता, सो इफ ही हैडन डन सो, या हैड ही नॉट डन सो, अगर उसने ऐसा नहीं किया होता, ऐसा नहीं कहा होता, आई वुड हैव रियून अ प्लान, मेरी तो योजना खराब हो गई होती, मेरी तो पूरी प्लानिंग ही खराब हो गई होती, by bursting like grains that are kept in the sun to dry, उन दानों की तरह जो सूर्य की रोशनी में सुखाए जाते हैं और फटते हैं, उन दानों की तरह जो सूर्य की रोशनी में सुखाए जाते हैं और फटते हैं, उन दानों की तरह, उन ग्रेन्स की तरह जो सूर्य की रोशनी में फंसने की किसकी रोशनी के रोशनी में सूखने की वजह से, ड्राई होने की वजह से फट जाते हैं, बर्स्ट हो जाते हैं, तो मेरी योजना तो कुछ ऐसे ही हो जाती। I was extremely careful of what I said afterwards, और इसके बाद जो भी मैंने कहा मैं उसके प्रति बहुत ही केयरफुल रहा, उसके बाद जो भी मैंने कहा उसके प्रति मैं बहुत ही केयरफुल रहा, श्यामा यहाँ पे कहते हैं, उसके बाद जो भी मैंने कहा बहुत ही केयरफुल मैं रहा। शास्त्री टर्न टू रंगा, शास्त्री जो है रंगा की तरफ मुड़े, शास्त्री जो है रंगा की ओर मुड़े, कहा when did the young son of our accountant clerk come home, कहा कि when did the young son of our accountant clerk come home, कि हमारे अकाउंटेंट का जो यंग सन है, जवान बेटा है, वो घर का वापस आया था, घर का वापस आया था। What can I do for you, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं उसके लिए क्या कर सकता हूँ। It's very rarely that he visits us, ये हमारे पास बहुत ही कम मिलने के लिए आता है, ये हमारे पास बहुत ही कम मिलने के लिए आता है। Take out your paraphernalia, तो शास्त्री जी ने बोला होगा या कुछ या श्यामा ने बोला होगा शास्त्री जी को, या फिर शास्त्री जी ने किसी और को बोला होगा, टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, डिस्कशन तीन लोगों के बीच में हो रहा है, यहाँ पे कोई और नहीं है, टेक आउट योर पैराफेरनेलिया, कि अपना तामझाम लेकर आओ, कि अपना तामझाम बाहर लेकर आओ। आर रंगप्पा सीम्स टू हैव समथिंग ऑन हिज माइंड, कि रंगप्पा के हमारे रंगप्पा के दिमाग में कुछ चल रहा है, उसके दिमाग में कुछ है ऐसा प्रतीत होता है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप हमें बता सकते हैं उसे क्या बात चिंतित कर रही है। कैन यू टेल अस व्हाट्स वरिंग हिम, क्या आप बता सकते हैं क्या उसे किस बात की चिंता, उसे किस बात की परेशानी हो रही है।
Shall we put your science of astrology to the test? क्या हम आपके ज्योतिष शास्त्र की विज्ञान की परीक्षा लें? क्या हम आपके ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान की साइंस की परीक्षा लें? A science of astrology, क्या हम ज्योतिष शास्त्र के विज्ञान की परीक्षा लें आपकी? ओके, देयर वाज अथॉरिटी इन माय वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री. जब मैंने शास्त्री से कहा तो मेरी आवाज़ में अथॉरिटी थी, मतलब एक अधिकार था, एक वर्चस्व वाली भावना थी कि मैंने कहा. यहाँ लाइन था, देयर वाज अथॉरिटी इन माय वॉइस एज आई स्पोक टू शास्त्री. जैसे मैंने शास्त्री से बात की, मेरी आवाज़ में अथॉरिटी वहाँ पर थी. टेक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर. और शास्त्री जी जो हैं, दो शीट्स ऑफ पेपर, कागज़ के शीट्स लेकर आए. ओके, सम कावरीज, कुछ कावरीज लेकर आए. कावरीज का मतलब होता है तांबड़ियाँ. क्या तांबड़ियाँ? ताम्रपत्र लग रहा, तांबड़ियाँ लेकर आए. एंड अ बुक ऑफ पामरिया लीव्स. और पामरिया लीव्स का मतलब यहाँ पे तांबड़िया पत्र है, तांबड़िया के पत्र यहाँ पर है, जिसे हम लोग कहते हैं ताम्रपत्र. क्या बोलते हैं? ताम्रपत्र बोलते हैं. सो कावरीज यहाँ पे तांबड़िया है, और पामरिया लीव्स यहाँ पर वैसे ताड़ के पत्ते होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा ताम्र के जो पत्र है उनकी बातें यहाँ पे हो रही है. ओके, तो यहाँ पर ताम्र पत्र लेकर आए. सो ही टुक आउट टू शीट्स ऑफ पेपर. वे टू शीट्स ऑफ पेपर लेकर आए, कागज़ के दो शीट्स लेकर आए. सम कावरीज, कुछ कावरीज लेकर आए शास्त्री जी. कुछ ताम्रिया लेकर आए. एंड अ बुक ऑफ पामरिया लीव्स. और कुछ ताम्र पत्र लेकर आए. सेम कहा. क्या कहा उन्होंने? आर्स इज एन एंशियंट साइंस. आया के आया, यहाँ पे लिखा आया, आया लिखा यहाँ पे, आया आया बोलते हैं वे साउथ के अंदर. ओके, आर्स इज एन एंशियंट साइंस. आया कि आया हमारा जो है एंशियंट साइंस है, हमारा प्राचीन विज्ञान है. जो विज्ञान है अभी तो करंट है, हमारा एंशियंट है, हमारा प्राचीन विज्ञान है. देयर इज अ स्टोरी टू इट. इस बारे में कहानी है. बट आई वोंट टेल यू दैट स्टोरी नाउ. लेकिन मैं ये कहानी अभी तो मैं नहीं सुनाऊंगा, नहीं बताऊंगा. दिस इज नॉट अ हरी कथा विच अलाउज यू टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी. दिस इज नॉट अ हरी कथा. ये कोई हरी कथा नहीं है, ये कोई एक हरी कथा नहीं है. विच अलाउज यू, जो तुम्हें परमिशन दे टू टेल अ स्टोरी विद इन अ स्टोरी, कहानी के अंदर कहानी सुनाई जाए, ऐसे कोई हरी कथा यहाँ पर नहीं है. यू मे गेट बोर्ड, तुम बोर्ड हो सकते हो. आई टेल इट टू यू सम अदर टाइम. मैं तुम्हें हरी कथा या कहानी जो इसके बारे में जो कहानी है तुम्हें किसी और समय सुनाऊंगा. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट एज ही काउंटेड ऑन हिज फिंगर्स. शास्त्री मूव्ड हिज लिप्स फास्ट. और शास्त्री ने अपने होठों को बहुत तेजी से हिलाया. As he counted on his fingers, जैसे उसने अपने fingers पर count किया. And then asked, और पूछा शास्त्री जी ने अपने होठों को बहुत तेजी से लाया. कुछ मंत्र पढ़े जा रहे होंगे. As he counted on his fingers, जैसे उसने अपने fingers पर count किया. And then asked, उसके बाद पूछा, what's your stars, तुम्हारे stars क्या हैं? रंगा से पूछा, what's your star, तुम्हारे ग्रह क्या हैं? तुम्हारा ग्रह कौन सा है? रंगा डिडन नो. रंगा को अपने ग्रह के बारे में नहीं पता था. रंगा को अपने ग्रह जो भी होते हैं, नक्षत्र वगैरह, उनके बारे में नहीं पता था. नेवर माइंड, बुरा मत मानना, कभी बुरा मत मानना. शास्त्री इंडिकेटेड विद अ शेक ऑफ हिज हैंड. शास्त्री ने अपने सर को हिलाते हुए कहा, नेवर माइंड. क्या बोला? नेवर माइंड, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है. ही डिड सम मोर कैलकुलेशन. और शास्त्री जी ने कुछ और कैलकुलेशंस लगाई, कुछ और कैलकुलेशन, कुछ अनुमान लगाया, कुछ तांबड़ियों के माध्यम से कुछ ऐसा कैलकुलेशन किया, कुछ अनुमान लगाया. बिफोर सेइंग इन अ सीरियस टोन, एक गंभीर आवाज़ में कहने से पहले कुछ कैलकुलेशन लगाया, कुछ अनुमान लगाया. इट्स अबाउट अ गर्ल. कि रंगा के मस्तिष्क में जो चिंता चल रही है, रंगा के दिमाग में चल रहा है, वो है एक लड़की के बारे में. जो प्रॉब्लम है क्या है, वो गर्ल है. इट्स अबाउट अ गर्ल, लड़की के बारे में. और द रियलिटी इज दैट कि श्यामा का सारा सेटिंग जो है पहले जो है शास्त्री जी से हो चुका है, मॉर्निंग में हो चुका है ना. और श्यामा ने अच्छी तरह चूचड़ कर दिया है, सिखा दिया था कि क्या कहना है उन्हें. ओके, तो वो कह रहे हैं, वो तांबड़िया वामड़िया पढ़ के बोलते हैं कि इट्स अबाउट अ गर्ल. ये गर्ल के बारे में चिंता हो रही है यहाँ पे, गर्ल के बारे में मस्तिष्क में चल रहा है, लड़की के बारे में. आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल. और इस पूरे समय के दौरान मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था. यहाँ पे डायरेक्टर साहब क्या बोलते हैं आपसे, वो श्यामा क्या बोल रहे हैं, वो कहते हैं आपसे, आई हैड बीन कंट्रोलिंग माई लाफ्टर ऑल दिस वाइल. और इसी समय के दौरान जो है मैं अपनी हंसी को कंट्रोल कर रहा था, नियंत्रित कर रहा था. मुझे हंसी आने को थी लेकिन हंस नहीं पा रहा था. ओके, बट नाउ आई बर्स्ट आउट लाफिंग. लेकिन अब मैं जोरों से हटा, हंसा, ठहाके लगे हंसा. आई टर्न टू रंगा, मैं रंगा की ओर मुड़ा. एग्जैक्टली वर आई हैड सेड, बिल्कुल ऐसा ही कहा था मैंने इसको कि लड़की का प्रॉब्लम है, शादी वक्त का दिक्कत है, लड़की का दिक्कत है. बिल्कुल ऐसा ही कहा था मैंने इसे. वो इज अ गर्ल, लड़की कौन है. इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट हु आस्क्ड दिस द क्वेश्चन. वो इज अ गर्ल, लड़की कौन है. द सेम क्वेश्चन वॉज आस्क्ड बाय श्यामा टू द शास्त्री. शास्त्री से पूछा गया, क्या पूछा गया, लड़की का तो है इशू तो है, लेकिन वो लड़की कौन है,
अरे लड़की तो बताओ लड़की कौन है, तो कहा इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट वो आस्क द क्वेश्चन, कि जिसने प्रश्न पूछा वो आपका विनम्र सेवक था, मतलब शास्त्री जी मैंने सवाल किया, शास्त्री जी मैंने सवाल किया, इट वॉज योर हम्बल सर्वेंट वो आस्क द क्वेश्चन, जिसने सवाल पूछा वो आपका विनम्र सेवक था, मतलब मैंने ही सवाल पूछा लड़की कौन है। शास्त्री थॉट फॉर अ वाइल बिफोर रिप्लाइंग, और जवाब देने से पहले शास्त्री ने थोड़ा सोचा विचार विमर्श किया, ग्रह को चेक किया जाए, ग्रह चेक कर रहे हैं, अभी उड़ता हुआ नाम आएगा वहाँ से, ठीक है सोचेंगे उसके बारे में तो बताएंगे फिर लड़की कौन है। ओके, शी प्रॉबली हैज़ द नेम ऑफ समथिंग फाउंड इन द ओशियन, कि संभवतः उसका नाम कुछ ऐसा है जो ओशियन में मिलता है, ओशियन मीन्स समुद्र में मिलता है, सी सागर ओशनी समुद्र, कि उसका कुछ ऐसा नाम है जो ओशियन में मिलता है, समुद्र में मिलता है। तो श्यामा रंगा में से श्यामा नहीं बोलो, कमला, कमला नाम है क्या उसका, कमला नाम है क्या उसका, मे भी हो सकता है का नाम कमला हो, कुड इट बी पच्छी मॉस, उसका नाम क्या पच्छी मॉस हो सकता है, क्योंकि तो साउथ में जो है मॉस को पच्छी बोलते हैं, पच्छी वहाँ पे कई लोगों के नाम होते हैं, गर्ल्स के नाम पच्छी होते हैं, तो मॉस क्या उसका नाम काई, मॉस इज काई होता है, लाइक ग्रीन एल्गी भी है, ग्रीन एल्गी, सो कुड इट बी पच्छी, क्या पच्छी हो सकता है उसका नाम, मस्ट इट बी मॉस, की होना चाहिए मॉस इफ इट्स नॉट कमला, अगर कमला नहीं है तो, अगर कमला नहीं है तो मॉस होना चाहिए, वाई नॉट पॉल और रत्ना, क्या ख्याल है पर्ल और रत्ना के बारे में, कि पर्ल और रत्ना क्यों नहीं, मोती या फिर रत्ना क्यों नहीं, द प्रीसियस स्टोन, बहुत ही महमूल्य रत्न, रत्ना क्वेश्चन यहाँ पे रत्ना है क्या, द गर्ल इन रामा हाउस, हाउस इन रत्ना, कि रामा के घर में जो गर्ल है नाम क्या उसका रत्ना है, और रत्न का मतलब होता है रत्ना, यहाँ पे रत्न है, पर्ल है, पर्ल कहाँ मिलता है, ओशियन में मिलता है, समुद्र में मिल गया, कैलकुलेशन मैच कर गया, वैसे ऐसा नाम उसका है तो समुद्र में वो चीज़ मिलती है, ऐसी चीज़ जो समुद्र में मिलती है उस पर नाम उसका है, और वो है पर्ल, मोती, रत्न, रत्ना। ओके, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अ नेगोशिएशन बीयरिंग फ्रूट, टेल मी इज देयर एनी चांस ऑफ अ नेगोशिएशन, कि मुझे बताओ कि हमारी बातचीत के, हमारे वार्तालाप के कोई चांस है क्या बीयरिंग फ्रूट, जिससे कोई फलदायक परिणाम निकल के आ सके, बीयरिंग फ्रूट जिससे कोई फलदायक परिणाम निकल के आ सके, कुछ ऐसा है क्या। Definitely, he said, कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। After thinking for some time, कुछ समय के बाद सोचने के बाद कहा शास्त्री जी ने कि हाँ बिल्कुल ऐसा है। There was surprise on Ranga's face, रंगा के चेहरे पर वहाँ पर आश्चर्य था, रंगा के चेहरे पर उस लड़के का नाम जानने के बाद, वह लड़की वह रत्ना जिससे वह मिला था हाल ही में, उसका नाम जानने के बाद रत्ना के चेहरे पर सरप्राइज था, एंड सम हैप्पीनेस, कुछ खुशहाली भी थी, कुछ हंसी भी थी, कुछ हैप्पीनेस भी था, खुशी भी थी। आई नोटिस इट, मैंने इस बात को नोटिस किया था कि रंगा जिस लड़की के बारे में सोच रहा था शास्त्री जी ने उसी का नाम बता दिया, लो जी मैच हो गया पूरा का पूरा, मतलब हमारे तो जोग मिले हैं, पक्का मिले हैं, लेकिन ये वो लड़की तो मैरिड थी ना, उसके बारे में बताया था रंगा जी, उसने श्यामा ने कि शादी शुदा थी लड़की, वो तो देखते क्या होता है आगे, ऑब्वियस एंड मैरिड ही होगी तभी तो कहानी चल रही है। एंड सम हैप्पीनेस आई नोटिस इट, और मैंने नोटिस किया उसके चेहरे पर जो है कुछ हैप्पीनेस थी, बट दैट गर्ल इज मैरिड, लेकिन वह लड़की तो मैरिड है ना, वह लड़की तो मैरिड है। I said, मैंने कहा, then I turned to him, उसके बाद में मुड़ा उसकी ओर, his face had fallen, उसका चेहरा तो गिर चुका था, मतलब चेहरा झुका हुआ था। okay, I don't know all that, मुझे सब कुछ नहीं पता, मुझे सब कुछ नहीं मालूम, there may be some other girl who is suitable, कि हो सकता है कोई और लड़की हो जो suitable हो, कि मुझे इस बारे में नहीं पता कि हो सकता है कोई और लड़की हो जो suitable हो, उपयुक्त हो, उपयुक्त हो, suitable हो। I only told you what our शास्त्र indicated, मैंने केवल तुम्हें वो बताया जो हमारे शास्त्र बोलते हैं, किसने कहा ये बात, शास्त्री जी ने, कि मैंने केवल तुम्हें वो बताया जो हमारे शास्त्र बता रहे हैं, मुझे क्या पता हो सकता है कोई और लड़की हो इसी नाम की जो suitable हो। शास्त्री से छात्री ने कहा, वी लेफ्ट द प्लेस, हम वो जगह छोड़ करके वहाँ से चले गए, मतलब जो मुझे काम करवाना था वो तो हो गया, जो मैंने ट्यूटर किया था शास्त्री जी को, मतलब श्यामा ने जो कहा था कहने के लिए वो तो हो गया। ओके, सो आई वी लेफ्ट द प्लेस, हम उस जगह को छोड़ के चले गए, ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा, ऑन द वे वी पास्ड बाय रामा 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 राव्स हाउस, और रास्ते में हम रामा राव्स के घर के वहाँ से गुजरे, रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना जो है दरवाजे के वहाँ खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अकेला चला गया, एंड केम आउट अ मिनट लेटर, और एक मिनट लेटर के बाद बाहर आया। दोबारा से एक बार, वी लेफ्ट द प्लेस, हमने उस जगह को छोड़ दिया, शास्त्री जी के वहाँ से हम निकल पड़े थे, शास्त्री जी के वहाँ से निकल गए थे, ऑन द वे रास्ते में वी पास बाय रामा राव्स हाउस, और रामा राव के घर के वहाँ से गुजरे, रत्ना वाज स्टैंडिंग एट द डोर, रत्ना दरवाजे के वहाँ पे खड़ी थी, रामा राव के घर पे वहाँ से गुजरे, रत्ना दरवाजे पे खड़ी हुई थी। आई वेंट इन अलोन, मैं अंदर अकेला गया,
रामा राव ये घर में अंदर अकेला गया. आई स्टैंड फॉर श्यामा नरेटर अंदर गया एंड केम आउट अ मिनट लेटर और एक मिनट बाद बाहर आया. सरप्राइजिंग आश्चर्य की बात है. दिस गर्ल इज इन मैरिड ये लड़की शादीशुदा नहीं है. इट सीम्स ऐसा लगता है. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज किसी और ने तो मुझे कहा था कि मैं तो मैरिड थी. सरप्राइजिंग बड़े आश्चर्य की बात है. दिस गर्ल इज इन मैरिड ये लड़की मैरिड नहीं थी. इट सीम्स ऐसा लगता है. समवन टोल्ड मी द अदर डे दैट शी वॉज किसी ने मुझे किसी और दिन बताया था कि यह तो मैरिड थी. वट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल. ओके वट शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल और जो शास्त्री ने हमें बताया था वह सच साबित हो गया. शास्त्री जी की बातें क्या हो गई? सच साबित हो गई. शादी होने थी रंग रत्ना से. रत्ना तो अनमैरिड है. क्या है? अनमैरिड है. वो अनमैरिड ही थी. शी वॉज अनमैरिड. उसे मैरिड बताया गया जानबूझ करके. कहानी को मैचअप किया गया क्योंकि श्यामा जो है शादियाँ करवाने के काम बहुत ज़्यादा करते हैं लोगों के. उन्हें पता है कौन सा काम कैसे कर रहे हैं. ओके सरप्राइजिंग की बात है. यहाँ लाइन हो चुकी है. वर शास्त्री टोल्ड अस हैज टर्न आउट टू बी ट्रू आफ्टर ऑल कि शास्त्री जी ने या शास्त्री ने जो कहा था वो पूरा का पूरा सच हो गया था. ओके बट रंगप्पा यहाँ पे कौन है? रंगा ही है. ओके रंगप्पा अप्पा अप्पा करके बोलते हैं वहाँ पे. सो बट रंगप्पा आई कांट बिलीव दैट यू हैव बीन थिंकिंग ऑफ हर. लेकिन मैं इस बात पर विश्वास नहीं कर सकता कि तुम उसके बारे में सोच रहे थे. स्वेयर ऑन द नेम ऑफ माधवाचार्य. माधवाचार्य की कसम खा जाओ. माधवाचार्य कौन है? यहाँ पे लिखा हुआ है एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी. बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है यहाँ बिल्कुल बॉटम में यहाँ पर. ओके एन एक्सपोनेंट ऑफ वेदांतिक फिलोसफी फ्रॉम साउथ इंडिया. साउथ इंडिया से वेदांतिक दर्शन शास्त्र के जो एक्सपोनेंट है वो है माधवाचार्य. कहा कि माधवाचार्य कसम खा जाओ. स्वेयर का मतलब शब्द लेना, कसम खाना. एंड टेल यू मुझे बताओ इज इट ट्रू व्हाट शास्त्री सेड कि शास्त्री ने जो कहा था वो सच है क्या? शास्त्री जी ने कहा था वो सच है क्या? आई डू नॉट नो वेदर एनीवन एल्स वुड हैव बीन डायरेक्ट. कि मैं नहीं जानता कोई इस तरह का प्रत्यक्ष प्रश्न पूछ सकता है क्या? कोई इस तरह की सीधी सीधी बात कर सकता है क्या? रंगा एडमिटेड. रंगा ने इस बात को स्वीकार किया. देयर इज ग्रेटर ट्रूथ इन दैट शास्त्रा देन वी इमेजिन. कि जितना कि हम इमेजिन करते हैं उससे ज्यादा शास्त्रों में सच्चाई है. What he said is absolutely true. कि जो भी कहा था बिल्कुल absolutely true है, सच है. शास्त्री was at the well when I went there that evening. और उस सुबह उसी दिन की सुबह जब मैं गया तो शास्त्री जी कहाँ पर थे? Well कुएं पर थे. I said मैंने कहा so शास्त्री गाले. तो शास्त्री गाले you repeated. शास्त्री गाले यहाँ पर किसके लिए यूज हुआ है? शास्त्री जी के लिए हुआ है. So शास्त्री गाले you repeated everything I had taught you. कि आपने वो हर चीज़ रिपीट की जो मैंने आपको सिखाया था. विदाउट गिविंग राइज टू एनी सस्पिशन बिना कोई संदेह के उत्पन्न हुए आपने बिल्कुल वही कहा जो मैंने आपको बताया था. व्हाट अ मार्वलस शास्त्र योर्स इज. तुम्हारे शास्त्र भी कितने मार्वलस हैं. ही डिडंट लाइक इट एट ऑल. और ये बात शास्त्री को पसंद नहीं आई. शास्त्रों पर सवाल खड़ा करता है, भगवानों पर सवाल खड़ा करता है, मेरा मजाक बनाता है. ऐसा लगा कि ये बात पसंद नहीं आई. ओके लिखा यहाँ पे he didn't like it at all. उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई. What are you saying? तुम क्या कह रहे हो? शास्त्री ने बोला. किससे बोला? श्यामा से बोला. तुम ये क्या बोल रहे हो? What you said to me was what I could have found out myself from the shastra. कि जो भी तुमने मुझसे कहा था मैं उसे खुद ही जो है शास्त्र में ढूंढ सकता था. तुम्हें मुझसे कहने की जरूरत ही नहीं थी. ओके लिखा हुआ इसके अंदर कि व्हाट आर यू सेइंग. तुम ये क्या बोल रहे हो? कि व्हाट यू सेड टू मी वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माय सेल्फ. व्हाट यू सेड टू मी कि जो तुमने मुझसे कहा था व्हाट वाज व्हाट आई कुड हैव फाउंड आउट माय सेल्फ फ्रॉम द शास्त्र. कि मैं उन चीजों को तो शास्त्र में माय सेल्फ खुद ही फाउंड कर सकता था. ऐसा कहा शास्त्री जी ने. डोंट फॉरगेट. भूलना मत ये बात. क्या कहा? भूलना मत ये बात. आई डिवेलप ऑन द हिंट्स यू हैड गिवन मी. Don't forget that I developed hints you had given me. Line is there. Don't forget. Bhulna mat. I developed on the hints you had given me. Ki jo hints tumne mujhe diye the na, ishare tumne diye the mujhe. Kiske bare mein? Ratna ke bare mein? Ranga ke bare mein? I developed on the hints. Maine un hints par aage bhi kaam kiya tha. Shastron ki wajah se hua hai. Tumhare hints ki wajah se nahi. Okay. Iske baad. Tell me, is this what a decent man says? Tell me, is this what a decent man says? मुझे बताओ क्या what
टेल मी, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पे पूछा शास्त्री ने, पूछा श्यामा से पूछा, टेल मी मुझे एक बात बताओ, इज दिस व्हाट अ डिसेंट मैन सेज, क्या ये वो बात है जो डिसेंट मैन को एक भले मानुष को बोलनी चाहिए? मतलब क्या भले मानुष को ऐसी बात बोलनी चाहिए? क्या भले मानुष को ऐसी बात कोई बोलनी चाहिए? शास्त्रों पे सवाल नहीं करना चाहिए, ओके? रंगप्पा हैड कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, अगले दिन रंगप्पा मुझे डिनर के लिए इनवाइट करने के लिए आया। शादी, आप रिलेटिव हैं यहाँ पर, शादी भी हो गई है, उनकी संतान भी है। रंगा की और रत्ना की शादी हुए 3-4 साल हो चुके हैं, उनकी संतान भी है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो भी आएगा आप कन्फ्यूज मत होना, यहाँ शादी वगैरह सब हो चुका है, अब फैमिली है उनके, ओके? रंगप्पा है कम द अदर डे टू इनवाइट मी फॉर डिनर, अगले दिन रंगप्पा मुझे इनवाइट करने के लिए आया। किस लिए? डिनर के लिए आया। व्हाट्स द ओकेजन आई आस्क, मैंने पूछा क्या ओकेजन है, क्या अवसर है, किस बात का सेलिब्रेशन है? इट्स श्यामाज बर्थडे, ही इज 3, कहा कि श्यामा का जन्मदिन है और वो 3 साल का है। डोंट फॉरगेट दैट। रंगा ने अपने बेटे का नाम क्या रखा है? श्यामा रखा है, नरेटर के नाम पर, श्यामा के नाम पर, उस व्यक्ति के नाम पर जिसने रत्ना से उसकी शादी करवाई थी, उसी के नाम पर अपने बेटे का नाम रखा है श्यामा। डोंट बी कंफ्यूज, ओके? कंफ्यूज मत होना। इट्स श्यामाज बर्थडे, श्यामा का बर्थडे है, ही इज 3 बाय 3 साल का है। इट्स नॉट अ नाइस नेम श्यामा, कि श्यामा अच्छा नाम नहीं है। सर मैंने कहा कि श्यामा अच्छा नाम नहीं है क्योंकि मेरा नाम भी श्यामा ही है, तो श्यामा अच्छा नाम नहीं है। इट्स नॉट अ नाइस नेम, आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो ऑयल केक के डार्क पीस की तरह। ऑयल केक क्या होता है? जो ऑयल होता है लाइक सरसों हमारा, मैं मस्टर्ड पे आ जाता हूँ केक समझाने के लिए, लाइक मस्टर्ड सीड्स वी हैव, तो मस्टर्ड सीड्स से ऑयल निकालने के बाद जो रॉ मटेरियल बचता है, कच्चा जो भी सारा जो भी रॉ मटेरियल बचता है, मान लो जो भी अवशेष बच गया, उसे कहते हैं हम लोग खल बोलते हैं। इट्स अ केक ऑफ ऑयल, तो मैं तो उस खल की तरह हूँ, उसकी तरह हूँ। आई एम लाइक अ डार्क पीस ऑफ ऑयल केक, मैं तो ऑयल केक के डार्क पीस की तरह, एक काले टुकड़े की तरह हूँ। वाई डिड यू हैव टू गिव दैट गोल्डन चाइल्ड ऑफ योर सच अ नेम, कि तुमने अपने गोल्डन चाइल्ड का, ऐसे सोने जैसे बच्चे का, सुनहरे बच्चे का ऐसा नाम क्यों रखा? वर अ चाइल्डिश कपल यू आर, कितने बचकाने कपल हो तुम, कितने बचकाने कपल हो रत्ना एंड यू, रत्ना और तुम। आई नो, मुझे मालूम है, आई नो, मैं जानता हूँ, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, आई नो, मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, मुझे मालूम, आई स्टैंड फॉर श्यामा, वही नरेटर बात कर रहा है कि मुझे मालूम है, मैं जानता हूँ, इट इज़ द इंग्लिश कस्टम, ये इंग्लिश कस्टम, इंग्लिश रीति रिवाज है, नेमिंग द चाइल्ड आफ्टर समवन यू लाइक, कि अपने बच्चे का नाम किसी ऐसे व्यक्ति पर रखना, ऐसे व्यक्ति के नाम पर रखना जिसे आप पसंद करते हैं, इंग्लिश कल्चर है। योर वाइफ इज 8 मंथ्स प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी अभी जो 8 मंथ्स प्रेगनेंट है, मतलब दूसरी संतान होने को है। तुम्हारी पत्नी 8 मंथ्स प्रेगनेंट नाउ, तुम्हारी पत्नी जो अभी 8 महीने की गर्भवती है, वो इज देयर टू हेल्प योर मदर्स, तुम्हारी मामा की हेल्प करने के लिए, तुम्हारी माँ की हेल्प करने के लिए घर में कौन है? तुम्हारी माँ की हेल्प करने किस चीज़ में? कुक में, कुकिंग करने में। वो इज देयर, वहाँ पर है कौन टू हेल्प योर मदर टू कुक, तुम्हारी माँ की कुक में, कुकिंग में, रसोई के काम में हेल्प करने के लिए, खाना बनाने के काम में हेल्प करने के लिए। माई सिस्टर हैज कम विथ हर, मेरी बहन आई हुई है, मेरी सिस्टर आई हुई है, मतलब माँ के कार्यों में हेल्प करवाने के लिए सिस्टर है। वाइफ तो नहीं कर पाएगी बिकॉज शी इज प्रेगनेंट। आई वेंट देयर फॉर डिनर, मैं वहाँ पर डिनर के लिए गया, मैं रंगप्पा के, रंगा के घर पे मैं डिनर के लिए गया। श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन, और जब मैं अंदर गया चल करके, श्यामा मेरे पास दौड़ कर आया, मतलब छोटा श्यामा बड़े श्यामा के पास दौड़ कर आया। तो श्यामा रश टू मी व्हेन आई वॉक्ड इन, जब मैं अंदर गया श्यामा मेरे पास दौड़ कर आया। एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग्स, एंड पुट हिज आर्म्स राउंड माई लेग, और अपने हाथ जो है मेरे पैरों पर रख दिए, मतलब मेरे चरण स्पर्श किए। आई किस हिम ऑन हिज चीक, मैंने उसके चेक पर, उसे गालों पर किस किया। एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टिनी, एंड प्लेस द रिंग ऑन हिज टिनी लिटिल फिंगर्स, और उसके छोटी उंगली में जो है मैंने रिंग पहना दी, अंगूठी पहना दी। अलाउ मी टू टेक लीव ऑफ यू रीडर, अब यहाँ पे श्यामा द नरेटर हमसे बात कर रहे हैं, रीडर का मतलब पाठकों से बात कर रहे हैं। अलाउ मी टू टेक लीव यू रीडर, की पाठों का मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलता हूँ। आई एम ऑलवेज हेयर, मैं हमेशा यहीं पर हूँ, रेडी टू सर्व यू, आपकी सेवा करने के लिए। यू आर नॉट बोर्ड आई होप, मैं ऐसी आशा करता हूँ कि आप बोर नहीं हुए होंगे। ओके स्टूडेंट्स, इट्स ऑल अबाउट चैप्टर, अटेंड जस्ट राइट ऑल द क्वेश्चंस ऑफ टेक्स्ट ऑफ दिस चैप्टर, टेक्स्टुअल वन, द एडिशनल वन विल बी असाइंड इन योर असाइनमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।